हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। उसी सीरीज में हम सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ, दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस जो हैं उसके अंदर हमने देखा था कि लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं तथा अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स देयर इज रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लाइक चार्जेस एंड अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्जेस। अब कूलॉम्स लॉ जो है वो एक्सप्लेन करता है, यानी मैग्नीट्यूड बताता है कि इन चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, किस किस पे डिपेंड करेगा। कूलॉम्स लॉ, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस के बिटवीन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इट मे बी रिपल्सिव इट मे बी अट्रैक्टिव, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्जेस, का मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बिटवीन की डिस्टेंस जो हो उनकी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेट वी हैव टू चार्जेस, फर्स्ट इज क्यू वन एंड सेकेंड इज क्यू टू, सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस आर। दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दोनों r डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं, तो उनके बिटवीन जो फोर्स होगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r² मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें देन वी गेट F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। K जो है यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है एंड द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल्स टू 1/4πε0 और 9×10⁻⁹ मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ एप्साइलन नोट एक कॉन्स्टेंट है, इट इज नॉन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको फ्री स्पेस की परमिटिविटी बोलते हैं। तो अगर K की वैल्यू हम फोर्स में पुट करें देन F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम। ये इक्वेशन जो है दो चार्जेस के बिटवीन वैक्यूम में फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। एप्साइलन नोट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड द वैल्यू ऑफ एप्साइलन नोट इज 8.85×10⁻¹2 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्साइलन नोट जो है ये क्या है, फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम जो है उसकी परमिटिविटी है, इसकी वैल्यू जो है वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। तो ये है कूलम्स लॉ बिटवीन टू चार्जेज मीन्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन वैक्यूम। अगर हम बात करें मीडियम की, अगर दोनों चार्जेज Q1 Q2 हैं उनके बिटवीन कोई भी मीडियम रखा हुआ है, इन दैट केस फोर्स क्या रहेगा। फोर्स इन मीडियम कैलकुलेट करने के लिए K की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, K इक्वल्स टू 1/4πε0। एप्साइलन इट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यहाँ K जो है एप्साइलन जो है वो मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है जिसकी वैल्यू होती है एप्साइलन नोट एप्साइलन आर। स्मॉल के इक्वल्स टू 1/4πε0 नोट एप्साइलन आर, वेयर एप्साइलन आर इट इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। एप्साइलन आर जो है यहाँ पे मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है जिसको हम कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं, इसको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। वेयर के
और एप्सिलॉन नॉट इज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम एंड एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर ये वैल्यू हम पुट करें तो जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है इन मीडियम इट इज गिवन बाय एफ एम इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन क्यू 1 क्यू 2 बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू 1 क्यू 2 बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर कैन बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल के, देन एफ एम इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू 1 क्यू 2 बाय आर स्क्वायर। अगर हम यहां से रिलेशन निकालें फोर्स बिटवीन charges in vacuum and force between charges in medium, then the force in medium is equals to 1 by k times the force in vacuum. The value of k depends on intervening medium. K की value जो है वो दोनों charges के बीच में जो medium होगा उस पर depend करेगी. And dielectric constant k for metal means conductor is infinity. Metals के लिए इसकी value जो है वो infinity रहती है. The Coulomb's force between two charges becomes 1 by k times in medium between same pair of charges when placed in dielectric medium of dielectric constant k. अगर same pair जो है उसको किसी भी dielectric medium में रखेंगे तो उनके between force जो है वो 1 by k times reduce हो जाएगा. Means same pair है, अगर उसको हम medium में shift करेंगे तो force जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. अब हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर और विच इज ऑल्सो नॉन एज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के. द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम जिसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसको हम एप्सिलॉन नोट से डिनोट करते हैं. तो एप्सिलॉन आर और कैपिटल के इक्वल्स टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम एप्सिलॉन नोट. द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज इन टर्म्स ऑफ फोर्स. हम इसको फोर्स की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं अगर हम दोनों फोर्सेस का रेशियो कैलकुलेट करें. द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाई ए सर्टेन डिस्टेंस इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस सेपरेटेड बाई द सेम डिस्टेंस इन दैट मीडियम. मीन्स किसी भी पेयर का, पेयर को अगर हम क्या करें वैक्यूम में रखें तो उनके बिटवीन फोर्स डिवाइडेड बाय मीडियम में फोर्स उसका रेशियो जो है वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है. एंड फॉर्मूला के इक्वल्स टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम. इन अदर वर्ड्स एफ वी इक्वल्स टू के एफ एम. मीन्स वैक्यूम में जो फोर्स होगा वो मीडियम के फोर्स का के टाइम्स रहेगा. एंड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इट इज डायमेंशनलेस और यूनिटलेस. यहाँ जो के है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ये पोजिशन प्रिंसिपल ये हम वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं क्लास 11th में. इसके अंदर है कि अगर कोई भी चार्ज है सराउंडेड है अ नंबर ऑफ चार्जेस तो उसके अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल चार्जेस जो हैं वो क्या करेंगे उस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे. तो उस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर हम जो नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो जो इंडिविजुअल चार्जेस उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा. मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द नेट फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस. मीन्स किसी भी एक टेस्ट चार्ज पे, यानी हम दो टाइप के चार्ज लेते हैं, एक होता है टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर हम टेस्ट करते हैं नेट फोर्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, एक होता है सोर्स चार्ज जो कि सोर्स होता है जिसकी वजह से फोर्स होता है या जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड
प्रोड्यूस होता है, दैट इज नॉन एज सोर्स चार्ज. अब कोई भी टेस्ट चार्ज है, अ नंबर ऑफ चार्जेस से सराउंडेड है, देन नेट फोर्स ऑन दैट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस. इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से उस पर जो डिफरेंट फोर्सेस लगेंगे उनका वेक्टर सम जो है उसके ऊपर नेट फोर्स के इक्वल आएगा. लेट वी हैव अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, इट इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ चार्जेस, लेट क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, क्यू आई एंड क्यू एन. मीन्स वो एन चार्जेस जो हैं उससे सराउंडेड हैं. फोर्स ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस, लेट ड्यू टू क्यू वन चार्ज, फोर्स ऑन क्यू नॉट एफ वन वैक्टर, ड्यू टू क्यू टू एफ टू वैक्टर, ड्यू टू क्यू थ्री एफ थ्री वैक्टर एंड ड्यू टू क्यू फोर एफ फोर वैक्टर, ड्यू टू क्यू आई एफ आई वैक्टर एंड ड्यू टू क्यू एन एफ एन वैक्टर. ये जो है इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेज हैं. देन नेट फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज इज गिवन बाय फोर्स ड्यू टू क्यू वन चार्ज प्लस फोर्स ड्यू टू क्यू टू चार्ज प्लस फोर्स ड्यू टू क्यू थ्री चार्ज प्लस फोर्स ड्यू टू आई चार्ज सो ऑन फोर्स ड्यू टू एन एच चार्ज. तो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स आएगा एफ वैक्टर इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू वन बाई आर वन स्क्वायर आर वन कैप. आर वन डिस्टेंस बिटवीन क्यू नॉट एंड क्यू वन एंड आर वन कैप इट इज यूनिट वैक्टर अलोंग आर वन वैक्टर. आर वन वैक्टर की डायरेक्शन में आर वन कैप जो है वो यूनिट वैक्टर है. लाइक दिस एफ टू वैक्टर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर टू स्क्वायर आर टू कैप प्लस एफ थ्री वैक्टर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू थ्री बाई आर थ्री स्क्वायर आर थ्री कैप सो ऑन प्लस ड्यू टू एन एच चार्ज वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एन बाई आर एन स्क्वायर आर एन कैप. अब अगर हम इसको क्या करें, समेशन की फॉर्म में लिखें, देन एफ वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा समेशन एंड समेशन जो है वो है आई इक्वल्स वन टू एन वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन आर आई स्क्वायर आर आई कैप. ये आएगा किसी भी एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट पे उसके सराउंडिंग में जो चार्जेज हैं उनकी वजह से नेट फोर्स जो कि उनके वेक्टर सम के इक्वल रहेगा. कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हमने जो कैलकुलेशंस की हैं या जो डिस्कस किया है वो बात हमने की थी पॉइंट चार्जेस की. मीन्स पॉइंट चार्जेस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको चार्ज देते हैं तो उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके अंदर जो डिफरेंट पोजीशंस पे चार्ज होगा तो पूरी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा उसको एज ए हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करते हैं. और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये यहाँ पे थ्री टाइप्स का हम लेते हैं. एक तो फर्स्ट बॉडी वो है जो कोई स्ट्रेट है, लीनियर बॉडी है, उसको चार्ज दिया है तो पूरा चार्ज जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन इंटायर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर की इंटायर लेंथ पे. उस केस में हम यूज़ करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी. सेकेंड हम लेते हैं कोई भी 2D ऑब्जेक्ट है, यानी कोई भी हमारे पास सरफेस है, अगर हम उसको क्या करते हैं चार्ज देते हैं किसी भी बॉडी को तो उसके अंदर चार्ज जो होगा वो क्या होगा, उसके पूरे सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. इन दैट केस हम लेते हैं एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स एरिया चार्ज डेंसिटी. थर्ड है कि अगर चार्ज है वो किसी भी चार्ज बॉडी के इंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस केस में हम लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. फर्स्ट हम बात करते हैं, अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड चार्ज इज सेट टू फॉर्म ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लाइन और लीनियर चार्ज डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा. इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्ट्रेट लाइन और ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल और ओवर द एज ऑफ ए क्यूबॉइड एटसेट्रा देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स अगर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो क्या होता है, किसी भी लाइन पे होता है, मीन्स स्ट्रेट लाइन पे अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है
अगर हम सर्किल की बात करें तो उसकी सर्कमफ्रेंस भी अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसकी सर्कमफ्रेंस जो है वो क्या है, एक टाइप से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी टाइप से अगर कोई क्यूब है, क्यूबॉइड है, उसके एजेस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, दैट इज ऑल्सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहां जो हम क्वांटिटी यूज करेंगे वो करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, मीन्स लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, मीन्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, इट इज नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट्स SI यूनिट कूलम्ब पर मीटर। लेट वी हैव ए स्ट्रेट बॉडी, लीनियर बॉडी ऑफ लेंथ dl एंड चार्ज dq डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इंटायर लेंथ ऑफ दिस बॉडी, देन लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज गिवन बाय dq by dt and dq equals to lambda dl, lambda equals to dq by dl, total charge divided by total length, then total charge on this length equals to linear charge density into length। अगर हम l length की बात करें तो total charge on line l is equals to integration for entire length lambda dl। Second, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस एरिया देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई भी बॉडी है उसके इंटायर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। एंड पर यूनिट एरिया चार्ज जो होगा उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, इट्स SI यूनिट इज कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। लेट वी हैव अ स्क्वायर हैविंग एरिया dA एंड चार्ज dQ, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गिवन बाय टोटल चार्ज dQ डिवाइडेड बाय एरिया dA। अगर हम dQ कैलकुलेट करें तो वो आएगा सिग्मा dA। अगर हम किसी भी बॉडी के इंटायर सरफेस से टोटल चार्ज कैलकुलेट करें देन टोटल चार्ज ऑन सरफेस A इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फॉर इंटायर सरफेस सिग्मा dS। नेक्स्ट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम, मीन्स किसी भी बॉडी के इंटायर वॉल्यूम में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स SI यूनिट इज कूलम्ब पर मीटर क्यूब। मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम जितना चार्ज होगा उसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। लेट वी हैव ए क्यूबॉइड, टेक ए स्मॉल वॉल्यूम dV having charge dQ, then the volume charge density rho is given by dQ by dV and total charge on volume V is given by integration for entire volume rho dV. अब हम कुछ questions देखते हैं based on Coulomb's law. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्ज ऑफ 2×10⁻¹ कूलम्ब एंड 3×10⁻¹ कूलम्ब प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। दो चार्जेस गिवन है, फर्स्ट 2×10⁻¹ कूलम्ब एंड सेकेंड इज 3×10⁻¹ कूलम्ब और उनका सेपरेशन जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास थ्री क्वांटिटीज हैं, चार्ज गिवन है Q1 Q2, उनके बिटवीन डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.3 मीटर, देन पुट इन कूलम्ब्स फॉर्मूला F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर एंड कैलकुलेट फोर्स बिटवीन द चार्जेस। सेकेंड क्वेश्चन,
The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 newton. दो स्फीयर्स दिए हुए हैं, एक पे चार्ज है 0.4 माइक्रोकुलोम और सेकंड जो है उसके ऊपर दिया हुआ है नेगेटिव 0.8 माइक्रोकुलोम और उनके बिटवीन फोर्स गिवन है 0.2 न्यूटन. फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स. फर्स्ट में हमें कैलकुलेट करना है उनके बिटवीन की डिस्टेंस, तो इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे कूलम्स फोर्स का. एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 by R square. F Q1 and Q2 हमें गिवन है, K हमारे लिए नॉन है, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करके उनके बिटवीन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट वन. सेकेंड स्फीयर जो है उसके ऊपर हमने फोर्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर. तो इसके अंदर क्या है कि जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स फोर्स है, इट ओबे थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ. ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, मीन्स ई चार्ज जो है वो किसी भी दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा, दूसरा चार्ज जो है वो भी फर्स्ट चार्ज पे उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा. मीन्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन बोथ, अपोजिट फोर्सेज ऑन बोथ चार्जेस. दोनों चार्जेस जो हैं उनके ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स रहेंगे. तो जो सेकंड स्फीयर होगा उसके ऊपर 0.2 न्यूटन फोर्स रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होगी वो प्रीवियस स्फीयर पे जो फोर्स है उसके अपोजिट हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकुलम, QB -5 माइक्रोकुलम, QC 2 माइक्रोकुलम and QD -5 microcoulomb are located at the corners of the square ABCD of side 10 cm. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास फोर चार्जेस हैं, टू चार्जेस हैं 2 microcoulombs पॉजिटिव के और टू चार्जेस हैं -5 माइक्रोकुलम नेगेटिव चार्जेस. फोर चार्जेस जो हैं ये क्या हैं, एक स्क्वायर ABCD के कॉर्नर्स पे लोकेटेड है, तो इसके अंदर 2 माइक्रोकुलम चार्ज हैं ये क्या रहेंगे, डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स पे होंगे. -5 माइक्रोकुलम जो है ये भी डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स पे रहेंगे. 1 माइक्रोकुलम चार्ज जो है उसके सेंटर पे है. अगर हम बात करें ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फोर्स, तो पॉजिटिव चार्ज 2 माइक्रोकुलम इस 1 माइक्रोकुलम को रिपेल करेगा, तो इसमें जो फोर्स रहेगा वो कॉर्नर टू सेंटर की तरफ रहेगा. सेकंड 2 माइक्रोकुलम जो है वह वो भी कॉर्नर टू सेंटर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा. मीन्स फोर्स जो रहेगा वो इक्वल रहेंगे, अपोजिट रहेंगे, इनका नेट फोर्स जीरो रहेगा 1 माइक्रोकुलम पे. सेम -5 माइक्रोकुलम्स ये क्या करेंगे, इस 1 माइक्रोकुलम को अट्रैक्ट करेंगे. दोनों डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स पे हैं, तो दोनों के फोर्स जो हैं वो भी क्या रहेंगे, इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, इनका भी नेट जो है वो क्या आएगा, जीरो आएगा. तो टोटल जो फोर्स बनेगा 1 माइक्रोकुलम चार्ज पे वो जीरो रहेगा. नेक्स्ट, 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B have their centers separated by a distance of 50 cm. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 × 10⁻⁷ coulomb? The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. First part जो है इसके अंदर दो sphere हमें given है A and B, और उनके बिटवीन डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर. दोनों स्फीयर्स पे सेम चार्ज हैं 6.5 × 10⁻⁷ कूलम. उनके रेडियाई जो हैं रेडियस नेग्लिजिबल हैं, तो उनके बिटवीन म्यूचुअल फोर्स कैलकुलेट करना है. तो दोनों पे जो फोर्स रहेगा मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट रहेगी. सिंपली आपको कूलम्स फॉर्मूला अप्लाई करना है, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. सेकंड,
सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द चार्ज अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। मीन्स इनके चार्ज को हमने डबल कर दिया ईच स्फीयर पे, तो चार्ज को हम डबल करेंगे तो फोर्स जो है वो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, फोर टाइम्स होगा। सेकेंड इसने बोला है कि उनके बिटवीन डिस्टेंस जो है उसको क्या किया है, हाफ किया है। तो फोर्स जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उससे भी क्या होगा, फोर टाइम्स होगा। तो टोटल जो फोर्स आएगा वो इनिशियल वैल्यू का 16 टाइम्स रहेगा। मीन्स फाइनल फोर्स जो होगा वो इनिशियल वैल्यू का क्या होगा, 16 टाइम्स होगा। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जनरली हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, लास्ट ईयर हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी किया था। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था कि कोई भी हमारे पास मासिव पार्टिकल है, उसके अराउंड एक पर्टिकुलर ऐसा स्पेस होता है, रीजन होता है, जिसमें अगर हम किसी दूसरे मासिव पार्टिकल को रखते हैं तो वो उसमें पहले वाले पार्टिकल के ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। लाइक दैट अराउंड ए चार्ज, कोई भी चार्ज है उसके अराउंड भी एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, रीजन होता है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर एंटर करता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दैट पर्टिकुलर स्पेस और रीजन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। अगर हम इसको सिंपली एग्जांपल से देखें तो कोई भी स्टेट है उसकी अपनी एक बाउंड्री होती है, डिस्ट्रिक्ट है उसकी अपनी एक बाउंड्री होती है, या कोई भी पंचायत है उसकी अपनी एक बाउंड्री होती है, जहाँ तक क्या होता है उसके रूल रेगुलेशंस जो हैं अप्लाई होते हैं। उसी टाइप से क्या होता है, कोई भी चार्ज है उसके अराउंड एक फिक्स्ड एरिया रहता है, जिसमें क्या होगा, कोई भी अनदर चार्ज जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स कूलम्बिक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है। दैट रीजन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डिफाइंड एज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्जेस विद इन विच अदर चार्ज पार्टिकल्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मीन्स जिस रीजन में अदर पार्टिकल्स जो हैं, चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिनोटेड बाय ई वेक्टर। ई वेक्टर, इट मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोथ आर सेम। एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहलाता है। सपोज वी हैव ए पॉइंट चार्ज क्यू, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू है, उसके पास हमने अनदर चार्ज क्यू नोट, दैट इज टेस्ट चार्ज, क्यू नोट टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। देन इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड बाय दिस चार्ज क्यू इज एफ वेक्टर एंड डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड क्यू नोट आर, मीन्स क्यू एंड क्यू नोट जो है वो आर डिस्टेंस से सेपरेट है, उनके बिटवीन जो फोर्स है एफ वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन जॉइनिंग द लाइन। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू जीरो एफ वेक्टर बाय क्यू नोट। मीन्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्यू नोट टेंड्स टू जीरो, इट मीन्स क्यू नोट इज इनफाइनाइटली स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल।
मीन्स नियर अबाउट जीरो बट नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका रीजन क्या है इतना स्मॉल लेने का कि क्यू नोट जो है हम एज ए टेस्ट चार्ज यहाँ पे ले रहे हैं। क्यू नोट चार्ज वेरी स्मॉल होगा, इसलिए होगा कि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेग्लिजिबल रहे और वो क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए क्यू नोट जो है उसकी वैल्यू हम बहुत स्मॉल लेते हैं। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें जनरल, ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर बाय क्यू नोट, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। एफ वेक्टर इज गिवन बाय 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर क्यू नोट आर कैप। यहाँ क्यू नोट से डिवाइड करेंगे, क्यू नोट कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा दैट इज ओनली ई वेक्टर इक्वल्स टू 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन भी आर कैप थी और आर कैप की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलॉम। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाय चार्ज है, फोर्स न्यूटन से मेजर करते हैं, चार्ज की यूनिट कूलॉम है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी हमारे पास न्यूटन पर कूलॉम। अब अगर इसके अंदर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है ई वेक्टर, इफ अ चार्ज प्लेस्ड इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट क्यू नोट चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट क्यू नोट चार्ज इज गिवन बाय फोर्स इक्वल्स टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमारे पास वहीं से आया है, ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर बाय क्यू नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज के इक्वल थी, तो हमारे पास फोर्स जो है वो आएगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करेगी इस क्यू नोट चार्ज की नेचर पे। अगर क्यू नोट चार्ज पॉजिटिव है देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ क्यू नोट नेगेटिव चार्ज है इन दैट केस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हम बात करते हैं कि कोई भी पॉइंट चार्ज है उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए लेट वी हैव ए पॉइंट चार्ज क्यू, अनदर अटैच्ड चार्ज क्यू नोट प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस चार्ज, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस क्यू नोट चार्ज इज एफ वेक्टर अलोंग दिस लाइन, एंड एफ वेक्टर इज गिवन बाय, एफ वेक्टर की जो वैल्यू है वो जो कूलम्बिक फोर्स है उसकी वैल्यू हम जो रखेंगे वो आएगी एफ वेक्टर इक्वल्स टू 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर कैप। हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एज पर डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज, तो हमें आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है जहाँ पे हमारे पास क्यू नोट चार्ज है, तो क्यू नोट चार्ज पे फोर्स हमारे पास ऑलरेडी है, तो यूनिट चार्ज पे फोर्स आएगा एफ वेक्टर बाय क्यू नोट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नोट इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नोट इनटू आर कैप। क्यू नोट कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हम इसके अंदर वेरिएशन शो करें
the variation of electric field with distance, mean graph between electric field and distance, let along x direction distance between charges r and along y direction electric field intensity, then the graph is as shown in diagram. जो स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आता है स्लोप, वही ग्राफ आएगा. इफ वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन 1 बाई आर स्क्वायर एंड ई, अगर हम 1 बाई आर स्क्वायर एंड ई में ग्राफ प्लॉट करेंगे देन इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन. अगर ई एंड 1 बाई आर स्क्वायर में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगी और ओरिजिन से पास होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी चार्ज है उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मीन्स उसका एक पर्टिकुलर रीजन होता है जहां तक वो अपना इफेक्ट शो करता है. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करती है, मीन्स किसी भी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंशन करने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं. दीज इमेजिनरी लाइंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. Actually, these electric field lines represent the path of motion of unit positive charge. Means, किसी भी electric field में अगर हम unit positive charge को रखें तो उसका जो path है उस path को जिन lines से represent करेंगे वो lines जो हैं वो क्या होंगी, electric field lines होंगी. These are completely imaginary lines. Actual में नहीं है, ये imaginary lines हैं. तो अगर हम इसको define करें, electric field lines are imaginary. स्ट्रेट और कर्व बोथ हो सकती हैं, स्ट्रेट भी हो सकती हैं कर्व भी हो सकती हैं, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोर्स ऑफ चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ लाइंस अलोंग विद अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज सपोज टू मूव व्हेन फ्री टू डू सो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. मीन्स किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली रखें तो वो जिस पाथ पे मूव करेगा वो पाथ, इट मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड, जो है वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. मीन्स ये इमेजिनरी लाइंस हैं, इनके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. अब इसके बाद है डिफरेंट सोर्सेज जो है हमारे पास, चार्जेज हमारे पास डिफरेंट हैं, उनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं उनका पैटर्न किस टाइप का होगा. डिफरेंट चार्जेज जो हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनका पैटर्न डिफरेंट रहता है. इनिशियली हम बात करेंगे पॉइंट चार्जेज के लिए. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, कि अगर हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है, यूनिट चार्ज जो है पॉइंट चार्ज वो पॉजिटिव है तो उनकी फील्ड लाइंस का पैटर्न किस टाइप का होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उनकी फील्ड लाइंस का पैटर्न किस टाइप का होगा. तो फर्स्ट हमारे पास ये जो पैटर्न है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. मीन्स स्ट्रेट लाइंस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज जो हैं उनसे क्या है, आउटवर्ड है, निकल रही हैं, और ये कहाँ तक है, अगर कोई अनदर चार्ज यहाँ पे नहीं है तो अप टू इनफाइनाइट ये होंगी. मीन्स पॉजिटिव चार्ज जो है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल डायरेक्शन में होंगी, आउटवर्ड इनकी डायरेक्शन रहेगी. अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की तो नेगेटिव चार्ज जो है उसके लिए पैटर्न सेम रहेगा बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. पॉजिटिव आउटवर्ड रहता है, नेगेटिव चार्ज के लिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये क्या होंगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी. तो फर्स्ट डायग्राम जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. देर इज डिफरेंस ओनली फॉर ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का डिफरेंस है, बाकी पैटर्न दोनों के लिए सेम रहेगा. अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, और अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की तो इनकी डायरेक्शन जो है टूवर्ड्स चार्ज रहेगी. अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पेयर ऑफ सेम चार्जेस.
अगर दो चार्जेज हैं सेम नेचर के, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है उनका पैटर्न किस टाइप का रहेगा? तो ये है पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का अपेयर ऑफ सेम चार्जेज के लिए। यहाँ पे हमारे पास दोनों चार्ज जो हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो मोस्टली पैटर्न सेम है, बट दोनों चार्जेज जो हैं उनके बिटवीन का जो एरिया है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो कर्व्ड हैं, मीन्स वो यहाँ क्या कर रही हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, रिपेल होंगी, टर्न हो जाएंगी, बट इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं इसलिए इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, आउटवर्ड है। अगर बोथ पॉजिटिव चार्ज रिप्लेस्ड बाय नेगेटिव चार्जेस देन डायरेक्शन विल बी इनवर्ट। अगर इन दोनों पॉजिटिव चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज से रिप्लेस करेंगे तो ये जो डायरेक्शन है ये इनवर्ट हो जाएगी, बाकी पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस, मीन्स हमारे पास अपोजिट चार्जेस का पेयर है, एक पॉजिटिव चार्ज है सेकेंड नेगेटिव चार्ज है, तो इसके अंदर जो पैटर्न रहेगा हमारे पास जैसा डायग्राम में शो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके वो एंड हो जाएंगी, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे दोनों चार्जेज जो हैं वहाँ पे क्राउडेड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, और अगर हम पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट साइड में जाएँ या नेगेटिव चार्ज के राइट साइड में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं अपार्ट फ्रॉम ईच अदर हो रही हैं, उनमें डिस्टेंसेज इंक्रीज हो रही है, मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या रहेगा, वीक रहेगा। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का पैटर्न ड्यू टू पॉइंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, देन अ पेयर ऑफ चार्जेस सेम चार्जेस, और फिर हमने बात की अपोजिट चार्जेस की। अब हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ना तो जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना ही जिसकी डायरेक्शन हो रही है चेंज, मीन्स किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो उस रीजन में क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फील्ड लाइन्स हैं उसको किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, लेट वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड सेकेंड इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स, तो इनके बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को हम डिनोट करेंगे पैरेलल लाइन्स से, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइन्स। यहाँ हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं इक्वली स्पेस्ड होंगी, ऑल आर पैरेलल्स, इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट रिमेन सेम, किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो वो क्या आएगी, सेम आएगी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंप्लीटली इमेजिनरी लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है ये इमेजिनरी लाइन्स हैं, एक्चुअल में ये लाइन्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन लाइन्स को इमेजिन करते हैं। नंबर टू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर्म कंटिन्यूस ओपन कर्व, मीन्स क्लोज कर्व फॉर्म नहीं करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कंटिन्यूस होंगी बट इनका जो कर्व रहेगा वो ओपन कर्व होगा, मीन्स ओपन कर्व एक पॉइंट से स्टार्ट होगा किसी अनदर पॉइंट पे जाके वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, रिटर्न नहीं होगा वापस, ओपन कर्व फॉर्म करेंगे। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे एंड होगी। नेक्स्ट, द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, अगर हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, then this tangent represent electric direction of electric field at that point, उस point पे वो electric field की direction को represent करेगा। Next, two electric field lines never intersect each other, very important property of electric field lines, most important property,
दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसका रीजन हमने इससे पहले जो प्रॉपर्टी देखी है उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट क्या करता है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इफ सपोज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, देन देयर विल बी टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उन पे इंडिविजुअली हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जो क्या शो करते हैं, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, विच इज इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स अगर क्राउडेड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, वाइडली सेपरेटेड है, तो उस केस में वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ये भी पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, माइंड में सेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ चार्ज्ड बॉडी, चाहे ये नेगेटिवली चार्ज है या ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज्ड बॉडी के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। इफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी देन डायरेक्शन आउटवर्ड, इफ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी देन डायरेक्शन इनवर्ड, डायरेक्शन का डिफरेंस आएगा, रहेगी दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। लेंथ वाइज जो है उनके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, मीन्स वो क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं लेंथ वाइज सिकुड़ेगी, इट मीन्स अपोजिट चार्जेस जो हैं वो क्लोज आएंगे, इट मीन्स देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस, के अट्रैक्शन को वो जो है रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एग्जर्ट लेटरल प्रेशर टू रिप्रेजेंट रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। जो लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करती हैं, प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, जो किसको शो करती हैं, रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर को पास नहीं करती हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में एग्जिस्ट नहीं करती, इट मीन्स इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, हैंस द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टेटिक शील्डिंग। मीन्स कोई भी कंडक्टर है उसका इंटीरियर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस से फ्री होता है, वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, एंड इट इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टेटिक शील्डिंग। ये जो इलेक्ट्रोस्टेटिक शील्डिंग है इसके अंदर क्या है, किसी भी ऑपरेटर्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है तो उसको हम क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर में रखते हैं, जहां पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जीरो आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंसुलेटर से पास होती हैं। अगर हम नाइन्थ प्रॉपर्टी की बात करें इलेक्ट्रोस्टेटिक शील्डिंग की, तो इसके अंदर एक जनरल क्वेश्चन है कि ए पर्सन स्टैंडिंग अंडर ए ट्री और ए पर्सन इन ए कार, विच वन इज मोर सेफ ड्यूरिंग थंडरिंग और लाइटिंग। लाइटिंग और थंडरिंग जब होती है उस टाइम कौन सा व्यक्ति ज़्यादा सेफ है, एक पर्सन है जो क्या है आउटसाइड है अंडर अ ट्री है और सेकंड जो है वो इनसाइड ए कार है। तो इसके लिए हम देखते हैं, फर्स्ट केस ये है जिसमें एक पर्सन जो है अंडर अ ट्री है तो वो डायरेक्ट जो है वो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आता है, तो इट इज़ वेरी डेंजरस।
सेकेंड केस इनसाइड ए कार एंड कार एक कंडक्टर है, इनसाइड ए कार इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, मीन्स इनसाइड अ कार अ पर्सन इज सेफ। थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।